इसलिए क्योंकि हम संवेदनहीन हो गए, हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं, और संवेदनाएं अगर जिंदा नहीं रही, दुनिया क्या है मुझे बताइए, दुनिया जमीन का टुकड़ा नहीं है, दुनिया समंदर नहीं है, दुनिया पेड़ नहीं है, दुनिया पौधे नहीं है, दुनिया आप और मैं है, आप और मैं मिलकर विश्व बनाते हैं, आप और मैं मिलकर दुनिया बनाते हैं। अगर हम में ही ये संवेदनाएं नहीं रही, किसी का एक्सीडेंट होता है हम रिकॉर्ड करने लगते हैं, बचाते नहीं है, हम इतने संवेदनहीन हो गए। जब संवेदना ही नहीं बचेगी मुझे बताइए, तो 25 साल आगे के जब मैं देखता हूं, तो मैं, आपने कहा मैं डर गया हूं, मैं डरा हुआ हूं। हमारे जो माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरह से जी ली, क्योंकि उन्होंने जिंदगी जी, उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। हम अपनी शर्तों पर तो जी कहां रहे, हमें टारगेट्स पूरे करने, हमें माल बेचना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारे पड़ोसी ने मान लीजिए कोई होंडा सिटी कार ले ली, तो हमारा मन ये नहीं करता कि मर्सिडीज ले ले, हमारा मन इसका कांच फूट जाए, इसकी गाड़ी पंक्चर हो जाए। हमारी जिंदगी कंपैरिजन में, कंप्लेन में और कंपटीशन में निकल रही है। वी कंपेयर ऑल द टाइम, वी कंप्लेन ऑल द टाइम, वी कॉम्पीट ऑल द टाइम, बट वी डू नॉट क्रिएट। जब रचनात्मकता कब होगी, जब संवेदनाएं होगी। और रचनात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि आप कविता रचे, कहानी रचे, फिल्म बनाए, एक बहुत अच्छी सब्जी बनाए, दैट इज क्रिएटिविटी। आप बहुत अच्छा भाषण देते, दैट इज क्रिएटिविटी। आप तिलियों से कुछ चित्र बना ले, दैट इज क्रिएटिविटी। लेकिन जब आपकी संवेदना ही खत्म हो गई है, तो आप कहां कला की तरफ जाएंगे, कहां रचनात्मकता की तरफ जाएंगे, कहां विश्व के निर्माण की ओर जाएंगे। तो हम विध्वंस के मुहाने पर खड़े हैं। ये शानो शौकत, ये वैभव इस दुनिया की सच्चाई का हजारवां हिस्सा भी नहीं है। तो जब 25 साल जो आगे के हैं वो डराने वाले हैं, लेकिन सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि बदलने वाले आप और मैं लोग हैं, और कोई नहीं। हम चाहे तो हम आसमान को मुट्ठियों में कैद कर लें। आज से 50 साल पहले आपने कभी सोचा, खैर बात मुझे 25 साल पहले आपने कभी सोचा था कि जिंदगी ऐसी होगी कि हम फोन करते हुए एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे? आज से 30-35 साल पहले आपने सोचा होगा कि हम एक मैसेज का कागज इधर से भेजेंगे और ज्यों का त्यों निकल जाएगा? आपने कभी सोचा होगा कि इंसान चांद पे कदम रख देगा? लेकिन ये सब हुआ है ना, और करने वाले हम ही लोग हैं। तो हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सूरज को कैद कर सकते हैं, हम समुद्र को पी सकते हैं, हम रेगिस्तान में पानी की झरने बहा सकते हैं, हम जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं, और कर रहे हैं ना। लेकिन हम संवेदनाएं अगर खत्म हो गई तो कुछ नहीं बचेगा, इमोशन खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने स्तर पे संभल जाएं। आप कोई भाषण देखिए, मैं बताऊं, प्रीचिंग के लिए मैं हूं नहीं, भाषण के लिए मैं हूं नहीं, समझाने वाला मैं हूं नहीं, क्योंकि बदलता वही है जो बदलना चाहता है। बहुत पूरी मुझे किस्सा याद आया, आप दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लीजिए, दुनिया भर के, कुछ नहीं होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, बदलेगा वही जो भीतर से बदलना चाहता है। फोर्ड बहुत बड़ी कार कंपनी के मालिक, एक बार शायद शिकागो ओक ब्रुक में, अगर मैं ठीक, मुझे याद नहीं है, तो किसी होटल में ठहरे हुए थे, बहुत पुराने जमाने की बात है, उन्हें फूलों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने खिड़की से नीचे झांका, कोई देखे तो एक फूल वाला उन्हें एक पटरी पे नजर आया जो फूल बेच रहा था, मतलब फूल रखे हुए थे और वो पास में बैठा हुआ था। उन्हें लगा कि मैं चला जाऊं और फूल खरीद लूं। वो ऊपर से गए, नीचे गए और उसको जाके एक सवाल किया। इंक्विजिटिव थे बाय नेचर, और जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बाय नेचर इंक्विजिटिव होना बेहद आवश्यक है। तो उन्होंने फूल वाले से सवाल किया, कि मेरे दोस्त ये तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें ऊपर से देख लिया कि तुम्हारे पास फूल है, वरना पता नहीं चलता, तो तुम कुछ प्रचार क्यों नहीं करते कि मैं फूल बेच रहा हूं? बोले क्या प्रचार करूं? बोले आवाज लगाओ, फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो, लोग सुनेंगे। अच्छा, वो उकताया हुआ आदमी था, बदलता वही है जो बदलना चाहता है। तो उसने कहा अच्छा, अगर मैं बोलूंगा फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो, तो क्या होगा? बोले फूल ज्यादा बिकेंगे। बोले हाँ बिक गए, आगे बोलो। तो बोले तुम $5-10 कमाते हो, शाम तक $100-200 कमा लोगे। बोले हाँ कमा लिया, आगे बोलो। बोले फिर तुम महीने के ज्यादा $3,000-4,000 हो जाएंगे, तो आज पटरी पे बैठो, एक छोटी मोटी सी दुकान कर लोगे। हाँ वो भी खुल गई, आगे बोलो। बोले एक दुकान खुलेगी, कमाई ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी, तुम एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लोगे। हाँ बोले वो भी खोल लिया। फिर बोले फिर तुम्हारे पास $1,00,000 होंगे। हाँ बोले वो भी हो गए, आगे बोलो। बोले फिर तुम आराम करना। बोले वही कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। बदलता वही है जो बदलना चाहता है। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बदल सकती अगर हम नहीं बदलना चाहें तो। हमें बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, एंड चेंज फ्रॉम विद इन, नथिंग एल्स। हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। वी कैन
We can control ourselves, not the world. And we are the world. If we can control ourselves, and if we change ourselves, intangibly, world is going to be changed. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।